मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये समझने के लिए पहले ये बताओ कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। हमने पूरे इंडिया को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस एंड अदर रीजंस कुछ स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधानसभा। तो लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल अ स्टेट कॉल्ड हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, इस तरह से हमारे पास स्टेट्स हैं। अब लेट्स टेक पंजाब, फिर अब हमने फर्दर पंजाब को डिवाइड कर रखा है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो जैसे पंजाब को 117 सीट्स में डिवाइड किया हुआ है, हरियाणा को 90 सीट्स में डिवाइड किया हुआ है। आइडिया क्या है बेसिकली, किसी स्टेट को ज्यादा सीट्स और किसी स्टेट को कम सीट्स क्यों मिली होती हैं? दो रीजंस। पहला तो ये कि तकरीबन विद इन स्टेट, हर एक स्टेट में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तकरीबन सेम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो। सेकंड क्या होता है कि ऐसा ना हो कि लेट्स से मान लो यूपी को भी हम 90 सीट्स दे दें और हरियाणा को भी 90 सीट्स दी हुई हैं। सो यूपी में पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 7th लार्जेस्ट कंट्री बन सकती है दुनिया में। सो इतने सारे लोगों को भी 90 सीट दोगे आप और हरियाणा में भी 90 सीट्स दोगे तो फिर वो इंटर स्टेट पैरिटी नहीं रहता। सो हमने बेसिकली किया क्या हुआ है, कंट्री को लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डिवाइड। अब लेट्स टेक जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल, तो 90 सीट्स हो गई वहां पे इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे। जिस तरह हमने पूरे इंडिया को 545 सीट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसी तरह स्टेट्स को डिवाइड किया हुआ है। डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स अलॉट हुई हैं। सो लेट्स टेक मान लो हरियाणा का एग्जाम्पल, 90 सीट्स हैं, 1, 2, 3 हरियाणा मान लो इसको, 1, 2, 3 ऑल द वे टिल 90। हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे, जिस पार्टी के 46 MLAs आ जाएंगे आउट ऑफ 90 जो मेजॉरिटी में होंगे, वो हरियाणा में सरकार बन जाएगी और उनका जो लीडर होगा वो बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। तो जैसे लास्ट टाइम हरियाणा में इलेक्शंस हुए मान लो, तो क्या हो गया, बीजेपी की सरकार आ गई और मनोहर लाल खट्टर जी बन गए चीफ मिनिस्टर। जो पार्टी की सरकार नहीं आई लेकिन MLA जीत गए वो बन जाएगा अपोजिशन। तो जैसे कर्नाटका में मान लो 222-223 MLA होंगे, तो कुमार स्वामी जी की सरकार आ गई तो वो बन गए CM और बाकी अपोजिशन, बीजेपी मान लो अपोजिशन। सो बेसिकली है क्या, इंडिया के लेवल पे तो हमने 545 सीट्स बना दी, MLA के लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्या होता है, बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, देयरफॉर वी डू नॉट हैव अ होमोजीनियस नंबर कि हर एक स्टेट के सेम नंबर ऑफ सीट्स होगी। लेकिन आइडिया वही है कि हर एक स्टेट उस स्टेट में उसको कुछ नंबर ऑफ सीट्स में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे पंजाब को 117 में डिवाइड कर दिया, हर 5 साल बाद इलेक्शन कराए जाए, जो पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी, जैसे पंजाब में कांग्रेस जीत गई तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बन गए चीफ मिनिस्टर, बीजेपी आ गई ऑपोजिशन में या आम आदमी पार्टी आ गई ऑपोजिशन में पंजाब में, वो बन गए चीफ मिनिस्टर। और स्टेट लेवल पे भी वही सिस्टम हो गया जो आपका सेंटर लेवल पे है, ठीक है। अब देयर इज वन डिफरेंस, कुछ स्टेट्स में, जैसे देयर एग्जिस्ट 7 स्टेट्स जिनमें, जैसे हमारे पास पार्लियामेंट में एक लोकसभा और एक राज्यसभा बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, उसी तरह कुछ स्टेट्स में भी बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। तो एक तो विधानसभा होती है जहां पे MLA के इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन हुए, लोगों ने वोट डाला, लोगों ने अपना MLA चूज किया। लेजिस्लेटिव सिमिलरली दूसरी यहां पे क्या होती है स्टेट में, जैसे एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियो में समझा दूंगा, पर MLA का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया है, विच इज अ सिंपल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक स्टेट उसको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा, हर 5 साल बाद चुनाव कराए, वहां पे जो जीत गया फिर जिस पार्टी की मेजोरिटी आ गई उस पार्टी की उस राज्य में उस स्टेट में सरकार बन गई और MLA ही फिर उस स्टेट में मिनिस्टर्स बन गए, कोई कोई MLA जैसे सेंटर में होता है वैसे इधर हो गया, ठीक है। थैंक यू। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल पे दूसरी वीडियो बन जाएगी।